नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड भाषा साहित्य पाठ पता नहीं कितना है, ये थंबनेल में अपलोड कर दूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कुरमाली साहित्य। पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो लेखक है और उसकी लेखनी पढ़ेंगे, ठीक है। कुरमाली साहित्य के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, कुरमाली साहित्य जिस तरह संताली है, मुंडा की मुंडारी है, उसी तरह कुर्मी जनजाति में काउंट नहीं होता है। कुर्मियों की जो भाषा है दैट इज कुरमाली होता है, ठीक है। सेम आपने पंचप्रगनिया में भी पढ़ा होगा कि पंचप्रगनिया भाषा मेनली कुर्मी जाति लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुरमाली और पंचप्रगनिया ये कुछ नहीं है, एक दूसरे से एकदम मिलता जुलता भाषा है। अगर आप हिंदी जानते हैं तो दोनों को इजीली समझ सकते हैं। और कुरमाली और पंचप्रगनिया को पढ़ते समय ये समझिए ये एक दूसरे का शाडू भाई है, ठीक है। शाडू मतलब हो गया एक ही दुकान से ठगे हुए दो लोग। तो आप देखिएगा कुरमाली के जो कवि मिलेंगे वो पंचप्रगनिया में भी मिलेंगे, पंचप्रगनिया वाला कुरमाली में भी लिखते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। दोनों भाषाएं पूछा जाएगा कुरमाली और पंचप्रगनिया किस भाषा का अपभ्रंश है, तो लिखिएगा मागधी भाषा का अपभ्रंश है ये दोनों, ठीक है। ये समानता है। और क्या समानता है? कुरमाली कहाँ बोला जाता है? कुरमाली देखिए पंचप्रगनिया से ज्यादा विकसित भाषा है ये, इसका क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। ये उत्तर प्रदेश, फिर खड़गपुर एरिया बंगाल का, उधर उड़ीसा में और बांग्लादेश में भी बोला जाता है। इसका क्षेत्र थोड़ा सा विकसित है, लेकिन अगर पूछा जाए तो मेनली कहाँ बोला जाता है तो पंचप्रगना में बोला जाता है। दोनों भाषा पंचप्रगना में बोला जाता है, ठीक है। दोनों स्पेशली कुर्मी लोगों की लैंग्वेज है, ठीक है। इतना याद कर लीजिए, काफी है। दोनों देवनागरी में लिखा जाता है। दोनों की स्क्रिप्ट क्या है भाई? इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है, दोनों देवनागरी में लिखा जाता है, ठीक है। और ना ही कोई तैयारी चल रही है इन लोगों की स्क्रिप्ट लिखने के लिए, क्योंकि हिंदी सफिशियंट है जो इसकी वॉयस है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुरमाली भाषा का एक और नाम है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, वो नाम क्या है? टमरिया, ठीक है। कुरमाली भाषा को क्या कहते हैं? टमरिया। दूसरी बात है, ऐतिहासिक दृष्टि से जो पंचेत राज्य थे ना, पंचेत राजाओं के शिलालेख में, पंचेत राजा के शिलालेख कुरमाली लैंग्वेज से मिले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य की भाषा में कुरमाली लैंग्वेज का यूज किया गया है अभिलेख में, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। पंचेत में गोमुखी राजवंश हुआ करते थे, ये भी याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए इसकी जो है पंचप्रगनिया और कुरमाली दोनों का क्या प्रॉब्लम है, दोनों का क्या बोलता है, जो लोक साहित्य है वो पूरी तरह से विकसित अवस्था में है और शिष्ट साहित्य जो है वो उतनी ज्यादा विकास नहीं हो पाया है। सबसे पहले आप लोगों को लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का अंतर जान लेना जरूरी है। जान ले तो क्या है और शिष्ट साहित्य इसका क्या अंतर है? देखिए लोक साहित्य क्या है, जिसका उद्गम कब हुआ है वो पता नहीं है, मतलब एक बचपन से ही कविताएं चली आई है कि वो कविताएं कहानियां मुहावरा पहेलियां ये सब जो चली आई है तो उसका उद्गम कब हुआ है किसी को पता नहीं, ना ही पता कर सकते हैं। किसने लिखा ये भी नहीं पता कर सकते हैं भाई, किसने लिखने का तो सिस्टम ही नहीं था। मुंह से बोली लोक साहित्य मतलब मुंह से चला आ रहा साहित्य, परंपराओं से चला हुआ साहित्य, ठीक है। किसने लिखा वो भी पता नहीं है, उद्गम क्या है वो भी पता नहीं है, और लिखित भी नहीं है। ये तीन गुण होते हैं लोक साहित्य के, इसका उद्गम भी हमें पता नहीं, किसने लिखा ये भी हम पता नहीं कर सकते, और लिखित तो है ही नहीं। और शिष्ट साहित्य का मतलब हो गया भाई उद्गम, किसने लिखा है, कहाँ पे लिखा है, और ये लिखित रूप में मिलता है, यही शिष्ट साहित्य का मतलब होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी शिष्ट साहित्य जो है, ये लोक साहित्य बहुत ही घना है, हर एक बात के लिए पंचप्रगनिया और
कुरमाली में आपको मुहावरा, चुटकुला ये सब मिल जाएगा, लोकोक्ति, हर एक बात को आप मुहावरे से समझा सकता है, इतना धनी है पर्णिया और कुरमाली। मगर शिष्ट साहित्य का ज्यादा विकास नहीं हो पाया है क्योंकि ये जस्ट लाइक हिंदी टाइप के है। ठीक है, हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं कि शिष्ट साहित्य की शुरुआत, शिष्ट साहित्य की शुरुआत कब हुई थी। जब लोक साहित्य खत्म हो गया तो शिष्ट साहित्य आ गया। शिष्ट साहित्य की शुरुआत 14वीं शताब्दी माना जाता है इसको, कुरमाली भाषा की। कब? जब चंडीदास नाम का एक महान लेखक ने शुरुआत किया था। हिंदी में ही लिखा एक किताब करमालिका घनघर, ये पहला किताब है, और चंडीदास कुरमाली की पहली पहला कवि है, कवि या लेखक जो बोलिए वो है। करमालिका घनघर क्या है? जस्ट लोक साहित्य में जितनी भी पहेलियां, कहानी या कर्मा का गीत ये सब का एक संग्रह है करमालिका घनघर। घनघर मतलब होता है संग्रह, ठीक है, करमालिका संग्रह के नाम से याद कर सकते हैं। ये चंडीदास पहला कवि है, ये तो 100% याद कर लीजिए। दूसरा नाम आपको याद रखना पड़ेगा विनंद सिंह गोरंगिया, आप जब पंचप्रज्ञा पढ़े होंगे ना तो उस वहां भी इसका नाम आया होगा, क्योंकि कुरमाली और पंचप्रज्ञा में ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। वो उधर भी बहुत पंचप्रज्ञा साहित्य में भी लिखा है और कुरमाली साहित्य में भी लिखा है, इसलिए इसकी को नाम रखिएगा। ठीक है, गोरंगिया इसका उपनाम है, ये भी याद रखिएगा किस कवि का उपनाम गोरंगिया है, तो विनंद सिंह का। ठीक है, अब आता है कि इसका एक और उपनाम है कुरमाली के सूर, मतलब कुरमाली के सूरदास। ठीक है, सूरदास, इसको शॉर्ट फॉर्म में कुरमाली के सूर बोला जाता है। ये पंचप्रज्ञा में भी लिखते थे लेकिन इसका ज्यादा मतलब ज्यादा पकड़ कुरमाली में थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, आपको इतना तो फैक्ट हो गया इसका, ये तो 100% हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। बाकी कुछ किताबें बुक्स है जो मैं अभी लिखा देता हूँ, उसको आप याद कर लीजिए, वो रटना है उसको समझाने का कुछ है नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उस सबको मैं छू देता हूँ। देखिए जगराम, का एकदम 100% याद रखिए कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप नाम भी सुन है जगरामी नारायण, नहीं रामायण, जगरामी रामायण, ये बुक मत भूलिए। उसके बाद आप बुधु महतो का करम गीत मत भूलिए, बुधु महतो करम गीत, ये कर्मा के ऊपर गीत लिखा है 1921 में शायद लिखा था इसने करम गीत, कर्मा जो आज ही कर्मा फेस्टिवल है जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो करम गीत उसी फेस्टिवल में जो गीत है उसी का संकलन है बुधु महतो के बुक में। निरंजन महतो का नेठा पाला, ठीक है। एक और मैं विनंद सिंह गोरंगिया का एक बुक तो लिखना ही भूल गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये बुक, 100% नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा, दैट इज कॉल्ड आदि झूमर गीत, ये किसने लिखा झूमर गीत, तो विनंद सिंह गोरंगिया ने। ठीक है, और ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन दे रहा आपको, उपेंद्र नाथ सिंह ने सेम नाम का किताब लिखा, उपेंद्र नाथ सिंह, ठीक है, इस करमाली भाषा का ही किताब है, इसने क्या लिखा, सेम वही नाम है आदि झूमर संगीत है, इसका किताब का नाम आदि झूमर संगीत, और विनंद सिंह गुरंगिया का आदि झूमर गीत, बस संगीत और गीत में अंतर है, तो ये कंफ्यूज करेगा आपको भविष्य में। ठीक है, खुदीराम महतो, देखिए सब महतो टाइटल होते हैं कुर्मी के, तो महतो महतो आपको मिलते जाएगा बहुत सारा, खुदीराम महतो, इसका है कुरमाली के भाषा तत्व, इतना दूर तक तो बुक आप भूलिए मत, ये तो एकदम 100% आपको याद रखना है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया, बाकी जो मीडियम टाइप का इम्पोर्टेंट होता है वो मैं बताता हूँ। एक कपिला मंगल बोल के बुक था, वो भी बहुत हाईलाइट हुआ था,
इसीलिए उस बुक को भी आपको याद रखना पड़ेगा, कपिला मंडल, राजेंद्र प्रसाद महतो, राजेंद्र प्रसाद महतो का कपिला मंगल, कपिला एक गाय का नाम था, ठीक है दोस्तों, कपिला गाय का ही बच्चे का नाम कामधेनु गाय था, मंगल, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद महतो की किताब कभी मत भूलिए, देवकी नंदन प्रसाद का, ठीक है, ये किताब भी आप मत भूलिएगा, देवकी नंदन प्रसाद, इसका बुक है निधरे आंखें, निधरे आंखें, उसका नाम था निधरे आंखें जल आंखी पाते, निधरे आंखें जल आंखी पाते, ठीक है, ये निधरे आंखें जल आंखी पाते, ठीक है। इस किताब को याद रखे, कोई निधरे आंखें मतलब क्या होगा मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर किसी को समझ में आया तो बता दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट को याद करने में अच्छा लगे, कमेंट करके, अगर कोई स्कूल मालिक के स्टूडेंट होंगे तो। उसके बाद देखिए नंद किशोर सिंह का बुक बहुत फेमस है, पंथे चलक लेहा नमस्कार, मतलब पथ में चलते हुए प्रणाम स्वीकार करें, ये होता होगा मीनिंग इसका, होता होगा क्या पता चल जा रहा है कि यही है इसका मीनिंग। सृष्टिधर सिंह कटियार, ठीक, अभी नया जो सबसे फेमस है, एक न्यू उसका रख लीजिए, क्योंकि ये अभी हाईलाइटेड है, सृष्टिधर सिंह कटियार, इनके सारे क्या, भात भगवान, भात मतलब चावल, भगवान, मान भूमिक मतलब मान भूमि का, और एक बुक था इसका साधन संगीत, इतना आपको याद रख लीजिए कुरमाली साहित्य से, जनरल स्टूडेंट्स जो बिना कुरमाली के एग्जाम देंगे, कुरमाली को सब्जेक्ट बना के जो एग्जाम लेंगे, एग्जाम देगा, उन लोगों के लिए कुरमाली साहित्य बहुत विस्तार से पढ़ना है, नॉर्मल स्टूडेंट एंड कॉमन स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों, इतना आप अगर याद कर लीजिए मेरे ख्याल से सफिशियंट है, एक दो क्वेश्चन।